सबसे पहले हम डालेंगे सरसों तेल। सरसों तेल जब गर्म हो जाएगा अच्छी तरह से तो हम इसमें डालेंगे जीरा, और जब जीरा चटकने लग जाएगा तो हम इसमें डालेंगे बारीक कटे हुए प्याज। दो बारीक कटे हुए प्याज मैंने लिए हैं यहाँ पर, और जब बारीक कटे हुए प्याज हम इसमें डालकर सेक लेंगे अच्छी तरह से, थोड़ा गोल्डन सा हो जाएगा, तब हम इसमें डाल देंगे टमाटर। यहाँ पर मैंने एक बड़े साइज़ का टमाटर डाला है। थोड़ा सा टमाटर को सेक लेंगे, उसके बाद हम डालेंगे इसमें करीब एक बड़ी चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। थोड़ा सा इसे सेकने के बाद में इसमें हम डालेंगे मसाले, जैसे कि मैंने थोड़ी सी हल्दी डाली है, एक चम्मच धनिया का पाउडर डाला है, और साथ ही यहाँ पर मैंने डाला है सब्जी मसाला। तो सब्जी मसाला तो मेरा फेवरेट है, मैं हर किसी सब्जी में, किसी भी चीज़ में, मैं दाल में भी इवन सब्जी मसाला डालती हूँ, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है इसका फ्लेवर। तो यहाँ पर मैं दो बड़े चम्मच सब्जी मसाला डाल रही हूँ। अच्छे से मसाले को सेक लेंगे, मसाले के सिकने की ना बहुत ही बढ़िया सी खुशबू आ रही है, और अभी से ही लग रहा है कि लोबिया जो है बहुत ही मज़ेदार से बनने वाले हैं। अब इसके अंदर मैंने आधा कटोरी पानी डाला है, और मसाले को थोड़ा सा हम और पका लेंगे। देखिए मसाले का कलर कितना बढ़िया आ गया है। तो ये जैसे ही मसाला सिक जाएगा ना, अब इसमें हम डालेंगे लोबिया। तो इसे लोबिया भी कहा जाता है, और हमारे राजस्थान में इसे चवली की फली कहते हैं। ये खाने में बहुत ही टेस्टी होती है, और साथ साथ में हेल्दी तो नो डाउट ही होती ही है। ये प्रोटीन रिच फूड है, तो आप इसे अपने डाइट में ज़रूर इस्तेमाल करें, ठंड में बहुत ही मज़ेदार लगती है खाने में। तो बस ये चवले की फली मैंने इसमें डाली है, या आप कह सकते हो लोबिया मैंने इसमें डाला है, और डालने के बाद अच्छी तरह से इसे हम कर लेंगे मिक्स। थोड़ा सा अच्छे से इसको पकाएंगे लोबिया और मसाले को साथ में, ताकि मसाले का जो फ्लेवर है वो लोबिया में अच्छी तरह बैठ जाए। फाइनली अब डालेंगे इसमें स्वाद के अनुसार नमक। तो मैंने यहाँ पर एक बड़ी चम्मच नमक का डाला है। अच्छी तरह से हम करेंगे इसे मिक्स, और उसके बाद डालेंगे एक बड़ी ग्लास पानी। अच्छे से एक बार फिर से मिक्स करेंगे, और प्रेशर कुकर का ढक्कन लगा करके आप इसमें 3 से 4 सीटी आने तक इसे पका लो। तो ये लोबिया बिल्कुल तैयार है। और हाँ, मैं आपको ये बात तो बताना भूल ही गई कि इसे ओवरनाइट या तो आप भिगो कर रखो, या फिर आप इसे 5 से 6 घंटे के लिए, अगर दिन में बनाए तो 5 से 6 घंटे के लिए इसे भिगो के रखना पड़ता है, उसके बाद आप इसे बनाओ। बहुत ही टेस्टी होते हैं और बहुत ही हेल्दी भी होते हैं, और गर्मा गर्म अगर आप इसे रोटी के साथ या पराठे के साथ खाओ ना, तो बहुत ही मज़ा आता है इसे खाने में। सुबह नाश्ता हमारा हो चुका था, बट अभी हल्की सी भूख लग रही है, करीब 11 बजे, तो मुझे लगा कि थोड़ा सा हम रागी बाइट्स खा लेते हैं। तीनों माँ बेटा, उन दोनों बच्चों की भी क्लासेस चल रही है, तो वो दोनों पढ़ाई कर रहे हैं, और थोड़ा सा एक ब्रेक अभी है बीच में, तो मुझे लगा रागी बाइट्स खा लिया जाए। ले लो इसमें से रस और निकालो। पक्का नहीं चाहिए? मैं खाना है ठेकुआ, खा के तो देखो बहुत टेस्टी है। आप नहीं, एक बाइट ठेकुआ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हो। मैं भी बहुत ही बढ़िया हूँ, एकदम बिंदास हूँ। और ये लाइट सही नहीं पड़ रही है कि मैं इस तरफ डायरेक्शन चेंज करती हूँ। अब सही है, अब बिल्कुल सही आ रहा है। तो मैं आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ बहुत ही बढ़िया एक फेस पैक। कहीं भी शादी या पार्टी में आपको जाना हो ना, तो ये फेस पैक आप लगाइए, आपको इंस्टेंटली एकदम जो चेहरा है ना, बिल्कुल निखरावा सा दिखेगा, और बहुत ही एक नेचुरल सा ग्लो आपके फेस पे लगेगा। तो मैं बहुत ज़्यादा मेकअप अपने फेस पे नहीं करती हूँ, बहुत सिंपल सा, बहुत हल्का फुल्का मेकअप करती हूँ। बट हाँ, ये थोड़ा सा ये चीज़ें जब ये फेस पैक वगैरह हम लगा लेते हैं, तो हमारा चेहरा जो है ना, एक नेचुरल सी फेस पे ग्लो आ जाती है, तो आपको बहुत ज़्यादा मेकअप की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, जो मुझे लगता है। बाकी जो लोग मेकअप अच्छे से करते हैं, और वो तो करते ही हैं, मुझे सच बताऊं तो मुझे बहुत ज़्यादा मेकअप करना कुछ आता भी नहीं है, जो बेसिक मेकअप होता है ना, बस मैं वही करती हूँ। चलिए एनीवे, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैं कौन सा फेस पैक आज लगाने वाली हूँ। एक बड़ी चम्मच बेसन, उसमें मैं डाल रही हूँ यहाँ पे
इवियन 400 जो कि विटामिन ई की कैप्सूल होती है और मेडिकल स्टोर में बहुत ही इजीली मिल जाती है। तो यहाँ पर दो इवियन 400 में डाल रही हूँ और साथ ही यहाँ पर मैं डाल रही हूँ नींबू का रस। नींबू का रस स्किन के लिए बहुत ही अच्छा होता है, इसमें विटामिन सी होता है और विटामिन सी जो है वो हमारे स्किन पे कोई भी डार्क स्पॉट्स वगैरह होते हैं वो हटाते हैं। और अगर हम हफ्ते में इसे 2 से 3 बार यूज़ करें तो हमारा जो फेस है वो काफ़ी फेयर भी लगता है। और यहाँ पर साथ ही ले रही हूँ मैं 1 चम्मच दूध। तो यहाँ पर मैंने कच्चे दूध का इस्तेमाल किया है। सभी इन्ग्रीडियंट्स को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और ये हमारा जो फेस पैक है ये बिल्कुल तैयार है। अब हम इसे फेस पे अप्लाई करेंगे। किसी भी फेस पैक को लगाने के पहले हमें हमेशा अपनी स्किन को क्लीन कर लेना चाहिए। मैं अभी स्किन को क्लीन इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही फेस अपना वॉश किया था। तो बस हमें अच्छी तरह से फेस पैक जो है वो अच्छी तरह से फेस पे लगा लेना है, आंखों के आसपास के एरिया पे फेस पैक नहीं लगाना है। दस मिनट बाद मैंने अपने फेस को वॉश कर लिया है। मुझे खुद को इतना अच्छा फ्रेश और मेरी स्किन जो है मुझे बहुत ही सॉफ्ट फील हो रही है और आपको भी लग रहा होगा कि इंस्टेंटली जो चेहरा है बिल्कुल साफ सा लग रहा है। देखिए आप खुद देख सकते हो बहुत ही फ्रेश और बहुत ही साफ हो गया है चेहरा। और अब खुल रहा है हितांश के जंक फूड का खजाना, उसमें भागीदारी ये सूरज महाशय भी हैं। क्या क्या है ये देखो, इधर लाओ लाओ लाओ, देखने दो क्या क्या है। एक ये चिप्स है, ये मेरा है, डॉल्टू भैया का है और चॉकलेट भैया का है, ये छोटू डेयरी मिल्क भैया का, ये भैया का, और ये कटलेट मेरा है, कटलेट मेरा है, घास घूस भी डाल के दिए। जब भी स्मेल आ रही है कटलेट के अंदर से डबल ऑयल की स्मेल, ये पता है ये वहीं पे ये चिकन विकन के तेल में तलता होगा ना। नहीं तो अगर ऐसा नहीं, ऐसा नहीं तो मेरे लिए भी ले आता ना। बाप से मैं पूछा, आप बोले नहीं। मुझे क्या पता, मुझे लगा वो जो एक जगह है ना जहाँ पे वो फिश वगैरह फ्राई करते हैं वो नहीं, कल तो आपके आगे रखे। मेरे हितांश को बहुत ज्यादा क्रेविंग आती है कि मैं ना जंक फूड खाऊं, हमेशा ऑयल का तला फला खाना उसको बहुत पसंद है। बच्चों को तो खैर होता ही है बट सूरज इतना ज़्यादा नहीं करता। हितांश को तो बहुत ज़्यादा शौक है फ्राइड चीज़ों का और जंक फूड का, पिज़्ज़ा और ये बर्गर, मैंने ये सारी लटर पटर की जो चीज़ें ना वो उसे बहुत पसंद है। बट ये मैं थोड़ा सा ना इसे कंट्रोल करके रखती हूँ घर पे, जहाँ तक हो सके कुछ ना कुछ हेल्दी सा अच्छा सा बना देती हूँ, तो ये बहुत ज़्यादा नहीं करता है, वरना इसे बहुत ज़्यादा शौक है। तो इनकी ना 14th अगस्त यानी कि चिल्ड्रंस डे की पार्टी रह रही थी, मम्मा चिल्ड्रंस डे की पार्टी दो, चिल्ड्रंस डे की पार्टी दो, तो वो ड्यू रखी थी, तो इसीलिए मैंने कहा इनको फिर आज पैसे दिए, मैंने कहा ठीक है जाओ तुम लोग चिप्स वगैरह जो लेके आना लेके आ जाओ, क्योंकि अब वैसे भी 2 दिन शादी में वहाँ जाना है, कल भी फंक्शन है, परसों शादी है, तो उस चक्कर में वैसे भी थोड़ा बहुत तो उल्टा फुल्टा खाना हो ही जाएगा। तो मैंने उनको कहा कि ज़्यादा कुछ मत लेके आना, बस एक एक चिप्स के पैकेट लेके आ जाओ, बट कटलेट भी उठा के ले आए। चलो कोई नहीं, ठीक है, कभी कभी बच्चों के हिसाब से भी चलना चाहिए, हमेशा हम अपने हिसाब से चले तो नहीं होता है, ठीक है। और आज सोच रही हूँ कि क्या बनाऊँ खाने में, सोच रही हूँ कि मैं गट्टे की सब्जी बना लूँ, बहुत दिन हो गए गट्टे की सब्जी नहीं बनाई है, मुझे तो बहुत ही पसंद है गट्टे की सब्जी, बहुत मैंने जैसे उस हितांश को मैं कह रही हूँ ना जंक फूड की क्रेविंग आती है, वैसे ना मुझे गट्टे की और आलू की खटाई की सब्जी जो दही वाली सब्जियाँ होती ना उसकी मुझे बहुत ज़्यादा क्रेविंग आती है कि मैं दही वाली खट्टी खट्टी सब्जियाँ जो होती हैं वो खाऊं। तो चलिए एनीवे मैं चलती हूँ अब किचन में और हम मिलते हैं कल एक नए व्लॉग के साथ। टिल देन बाय बाय।